हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं स्टिकर्स। सो आई एम गोइंग टू मेक स्टिकर्स विद एनी डबल साइडेड टेप। सो टू सी द प्रोसेस, बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टिकर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए ये प्लेन पेपर की शीट, देन सीजर्स, पेंसिल और इरेजर, एंड हमारे ब्यूटीफुल स्केचेस। तो सबसे पहले हमने पेंसिल से अपने जो स्टिकर्स हैं उनकी आउटलाइन बना लेनी है, और फिर आउटलाइन बनाने के बाद हमें कलर करना है उनमें। तो मैं कलर करने के लिए स्केचेस यूज़ कर रही हूँ, आप क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो अब हम कलर करेंगे हमारे सब स्टिकर्स को। तो कलर तो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इस ब्लैक जेल पेन से इन सब कलर स्टिकर्स को आउटलाइन करूँगी, जिससे कि ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। सो वंस वी आर डन विद द आउटलाइन, हम इसके इस शीट के ऊपर एक सेलो टेप का कोट लगाएंगे, जिससे कि हमारे स्टिकर्स बहुत शाइनी हो जाएंगे। सो अब हम इन स्टिकर्स का एक रफ लेआउट काट लेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हमें ऐसे ही काटना है, और बाकी जब हम डिटेल में काटेंगे वो हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने ये काटा हुआ ना, उसके पीछे हमने ग्लू का एक कोट लगा देना है, और फिर उसको ड्राई होने के लिए रख देना है। फिर सबको ऐसे काट लेना है, एंड आर स्टिकर्स आर रेडी। तो ये रहा हमारा बनाया हुआ क्यूट सा स्टिकर। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपको स्टिक कैसे करना है। तो इस पेंट ब्रश में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, और फिर स्टिकर की पीछे वाली साइड जहाँ पर हमने ग्लू लगाई थी वहाँ पर पानी को लगा लेंगे, और फिर जिस भी नोटबुक या जहाँ पर भी आपको स्टिकर को चिपकाना है वहाँ पर इसको चिपका लो। और बिलीव मी, ये स्टिकर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से स्टिक भी हो जाता है। सो बाय गाइस।